लीजिए, बनने जा रही है ये प्याज की सब्जी, प्याज मटर और टमाटर की सब्जी। लीजिए, आप चाहें तो इसे प्याज और टमाटर की बना सकते हैं या आलू या प्याज की, आपको जैसी पसंद हो, लेकिन आप एक बार बनाइएगा ज़रूर। प्लीज इन कुकिंग सीक्रेट स्पाइस सावित्री में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे हरे प्याज की सब्जी। मैंने हरे प्याज काट लिए है, वाइट प्याज का अलग पार्ट है और ये ऊपर वाला हरा अलग पार्ट है, दोनों को अलग अलग मैंने रखा है। और इसके लिए मैंने ये लहसुन लिए है, 6 से 7 लहसुन की कलियां, ये बड़ी बड़ी थी, और 4 से 5 मैंने मिर्ची जिनको मैंने काट लिया है। अब इसमें हम कढ़ाई रख दी गैस पर, इसमें हम डालेंगे तेल। तो मैंने इसमें ये तेल डाल दिया, 1 करछी भर के सब्जी का तेल डाल दिया। अब हम तेल को गर्म होने देते हैं। ये इसमें हम डालेंगे सबसे पहले थोड़ी सी हींग, जो मैंने हींग डाल दी है, गैस की फ्लेम को धीमा कर दिया है, और ये मैंने जीरा डाल दिया है इसमें। अब इसमें हम डालेंगे लहसुन और हरी मिर्ची, इनको भी हम भून लेते हैं, इनका हल्का सा कलर चेंज होगा। उसके बाद इसमें हम आगे से देखिए, लहसुन का कलर चेंज होने लगा है, तो अब सबसे पहले हम ये डालेंगे वाइट वाला पार्ट, इसको भूनना सेकना बहुत ज़रूरी है कि ताकि इसमें सब्जी में प्याज की कच्ची स्मेल ना आए। तो लीजिए, इसको हम 102 मिनट के लिए इसमें ही ऐसे भून लेते हैं। जो ड्राई मसाले हैं वो डाल देते हैं। सबसे पहले मैंने ये 1 से 1.5 चम्मच धनिया पाउडर डाला है, लाल मिर्ची आप अपने स्वाद के अनुसार डालें, और इसमें 1 चम्मच से थोड़ी कम हल्दी, स्वाद अनुसार नमक इसमें मैंने ही डाल दिया है। अब इसको हम करते हैं मिक्स। देखिए ये भुन चुका है, इसका कलर चेंज हो गया है, तो अब इसमें हम डालेंगे हरा वाला पार्ट, तो मैंने इसको भी डाल दिया इसमें। अब इसे भी 1 से 2 मिनट के लिए इसी तरह इसको भी भून लेंगे, इसका कलर चेंज हो जाएगा। उसके बाद इसमें मैं मसाले डालूँगी, तो इसको ही ऐसे ही हम 1 से 2 मिनट कर लेते हैं। कि मैंने ये हरी मटर ली है, तो इसको भी हम इसमें डाल देंगे और मिक्स कर देंगे। अब इसे हम 2 मिनट के लिए ऐसे ही ढक देंगे। देखिए इसको मैंने 2 मिनट के लिए भून लिया है। अब हम डालेंगे इसमें ये जो मैंने मसाले पानी में घोल कर रखे थे, इसमें मैंने 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर डाला है। लीजिए इसको भी डाल दिया है, और इसमें हम डालेंगे 2 जीरा पाउडर, देखिए ये भुन चुका है। तो इसमें हम डाल देंगे टमाटर, मैंने जैसे इसमें मटर डाली है, आपको पसंद ना हो तो ये मटर ऑप्शनल है, आप इसे ना डालें, और डालना हो तो आप इसमें डाल सकते हैं। और ये मैंने टमाटर डाले हैं, तो नहीं डालना है तो आप इसमें नींबू का जूस डाल सकते हैं, 1 नींबू का। लीजिए अब इसको हम ढक देंगे, और इसको ऐसे ही धीमी आंच में पकाएंगे। देखिए ये तैयार हो गया है, देखिए पास से दिखा दूँ आपको, बढ़िया है, कलरफुल अच्छा। अब इसमें हम डालेंगे ताज़ा धनिया। लीजिए आपको याद दिला दूँ, मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को, और लाइक भी करें। ये मैंने धनिया पत्ती वाली इसमें डाल दी है। अब हम इसको गैस की फ्लेम को करते हैं बंद, इसके आगे का प्रोसेस हम आपको अभी और दिखाएंगे। लीजिए ये सब्जी
प्याज और टमाटर मटर की बनके तैयार हो गई है, बिना कोई झंझट के, बिना कोई उलझन के, कम तेल वाली और फटाफट बनने वाली ये सब्जी है। आप इसे पूड़ी के साथ, पराठा के साथ और रोटी के साथ भी ऐसे आप खा सकते हैं। आप पराठा बनाएंगे सुबह नाश्ते में ले सकते हैं, या दोपहर में, लंच में रोटी के साथ कभी भी इसे, या डिनर में जब आपका मन हो। आपके बच्चे घर में छोटे हों तो आप जो मैंने हरी मिर्च काट के डाली है आप ना डालें, ऑप्शनल है, या मटर जो आपको पसंद हो आप सब्जी अपनी मर्जी से बनाएं, लेकिन एक बार बनाएंगे ज़रूर। आप बनाएंगे तो सभी खुश होंगे और आपको भी अच्छी लगेगी, आप इसे बार बार बनाएंगे। प्लीज़ आपने वीडियो मेरा लाइक ना किया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।